आप सबको प्रभु का नाम से शुभ हो। आज का वचन में हम देखेंगे विलाप गीत तीसरा अध्याय 23 वचन में हम देखेंगे, प्रति बोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि खुदा की दया, खुदा की कृपा, खुदा की करुणा हम पर हर दिन नहीं होती रहती है। चाहे हम बूढ़े से बूढ़े भी हो जाए, उनकी करुणा हम पर नया प्यार, नया आशीष वो हमें देता रहता है। तो हम ये क्योंकि वो दयालु पिता है और विश्वास हम पूरी तरीके से हम उन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो फेथफुल गॉड है। तो इस वचन में हम देखेंगे क्योंकि ये वो खुदा के पास हम जाते हैं और हम आशीष मांगते हैं और हर दिन क्यों वो हमारे ऊपर इस प्रकार की दया क्यों दिखाता है, क्योंकि खुदा दयालु पिता परमेश्वर है। अगर हम किसी को मदद करते हैं एक चार दिन, पांच दिन, एक महीना, फिर हम तक जाते हैं, अगर किसी को उठाना, किसी की सेवा करना और हम तक जाते हैं, लेकिन खुदा जब से हम माँ का पेट से निकलते हैं, माँ के पेट में है और जब तक हम बुजुर्ग भी हो जाते हैं, बूढ़े से बूढ़े भी हो जाए, चाहे 100 साल जी हो, 120 ईयर्स जी हो, फिर भी खुदा हमारे ऊपर इसी प्रकार का प्यार दिखाता है क्योंकि हम फिर भी हम उस बात के लायक नहीं हैं, हम गुनहगार हैं। बहुत से बार हम खुदा की बातों को अनसुनी करके उनको दुख देते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं और गलत गलत बातें करते हैं, खुदा के पर अविश्वास बन जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हम पर दया दिखाता रहता है। अगर आज का दिन कोई भी भाई या बहन, बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हो, जवान बच्चे हो, तो चाहे कोई भी हो, अगर ना उम्मीद से गुजर रहे हैं, अगर सोचते हैं ये फेल हो गया, अब ख़त्म हो गया, ये बीमारी हो गया, आज को जिंदगी ख़त्म हो गई, मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं और मैं कर्जे में फंसा हूँ या मेरे संकट में है या मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा जिंदा है, खुदा हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य कार्य कर सकता है और हम पर तरस खाता है क्योंकि वो दयालु पिता परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा खुदा है। और चाहे कोई भी छोड़ देते हैं दुनिया में, अगर कोई बात करे, अगर हम तकलीफ में हैं, दुख में हैं, थोड़ी देर हमसे बात करके फिर हमें भूल जाता है, हमारे दुख में हम रहते हैं, अकेले महसूस करते हैं, लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता और हमारे पास आता है, हमको हिम्मत देता है और उम्मीद देता है, प्यार देता है, एक भरोसा दिलाता है, क्योंकि वो भरोसा मंद खुदा है। इतना प्यारा खुदा जब हमारे साथ है, इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं क्योंकि परमपिता हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और हमारा पिता वही है, हमारे माँ वही है, हमारा भाई वही है, हमारा सब कुछ वही है। चाहे लोग तुम्हें छोड़े, आज का दिन अगर अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर किसी भी प्रॉब्लम में है, खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और आज का दिन चाहे कैसे भी बीत गया बीत गया, लेकिन एक नई उम्मीद से कल के दिन और एक उम्मीद से हम उठेंगे, एक नई आशा से, एक नई रोशनी से और नई ताकत से और नई कार्य करने के लिए प्रभु हमें जिंदा रखा है ताकि हम खुश रहे और दूसरों की मदद करें और हमारे ज़िंदगी को पूरी तरीके से और आशीष पाके दूसरों के लिए आशीष बन सके। आप सबको खुदावंद की आशीष मिले। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद तेरे स्तुति प्रशंसा हो प्रभु जी, तू महान, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे चरणों में हम आते हैं खुदावंद, जिस प्रकार वचन में कह दिया और हर दिन खुदावंद तू नई तरीके से हम पर रहम दिखाता है,
और नया जिंदगी देता है, इस उम्मीद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन सुनने में कोई भी भाई बहन अगर ना उम्मीद है, उनको उम्मीद दे, उनको ताकत दे, शांति दे और खुशहाल रख। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन, आमीन।